हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के न्यू वीडियो में। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि कस्टम यूआरएल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों तब 2018, 2019, 2020 में भी कुछ और तरीका से बनता था दोस्तों कस्टम यूआरएल। तो दोस्तों 2021 में वो नियम यानी कि वो तरीका बदल गया है दोस्तों। तो आप लोगों को भी अगर कस्टम यूआरएल बनाना चाहते हैं तो दोस्तों पहले अपने चैनल पर सब्सक्राइब 100+ चाहिए दोस्तों। और अगर अपने चैनल पर कस्टम यूआरएल बनाना चाहते हैं दोस्तों तो पहले आप लोगों को 100+ सब्सक्राइब चाहिए दोस्तों। और उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, अपने चैनल पर अपना लोगो लगा होना चाहिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आर्ट वीडियो बनना चाहिए दोस्तों, तभी आप लोगों को कस्टम यूआरएल बन सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज आप लोगों को कस्टम यूआरएल बनाकर बता रहे हैं कि कैसे बनेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कस्टम यूआरएल आप लोग 2021 में बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोग सीख लीजिए कि कैसे कस्टम यूआरएल बनाया जाता है दोस्तों, अगर आप लोग अपना बनाना चाहते हैं तो। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल से आप अपना कस्टम यूआरएल बनाना चाहते हैं दोस्तों, किस तरह बनेगा उसी के बारे में हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले अपने मोबाइल का क्रोम खोल लीजिए। क्रोम खुलने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों यूट्यूब लिखकर यहाँ पर सर्च मार दीजिएगा दोस्तों। अब क्या करना होगा दोस्तों, पहले अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में डाल देना होगा दोस्तों। यहाँ से देखिए, हम डेस्कटॉप साइड में डाल दिए हैं। और डेस्कटॉप साइड में डालने के बाद दोस्तों क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर लोगो लॉक रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। लोगो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर लोगो दिख रहा है, तो लोगो पर क्लिक कीजिएगा। लोगो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिख रहा है YouTube स्टूडियो, तो YouTube स्टूडियो पर क्लिक कीजिए। YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, अपना कैसे कस्टम URL बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो लोगों पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कस्टम YouTube स्टूडियो में आने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो कस्टम यूआरएल बनाने के लिए दोस्तों अपने चैनल पर 100 सब्सक्राइब होना चाहिए और 30 दिन पुराना चैनल होना चाहिए दोस्तों, तभी आपका कस्टम यूआरएल बन सकता है दोस्तों। और अपना लोगो लगा रहना चाहिए और अपना आर्ट्स लगा रहना चाहिए, तभी आप दोस्तों आप लोग बना सकते हैं कस्टम यूआरएल। तो चलिए दोस्तों, उसी के बारे में हम बता दें कि कस्टम यूआरएल कैसे बनेगा। तो दोस्तों क्या कीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर लॉक रहा है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कीजिए। कस्टमाइजेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने कुछ इस तरह खुल कर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेआउट है तो इस पर नहीं कुछ करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग पर नहीं कुछ करना है। तो यहाँ पर लिख रहा है बेसिक इन्फो, तो बेसिक इन्फो पर क्लिक कीजिएगा। बेसिक इन्फो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना होगा दोस्तों, तो इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कस्टम यूआरएल लगाना है दोस्तों, यानी कि बनाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा है चैनल यूआरएल, तो चैनल यूआरएल आप लोग को दोस्तों यहाँ है, देखिए इस यहाँ पर लॉक रहा है यह है। अगर आप लोग दूसरा लगाना चाहते हैं तो दोस्तों क्या कीजिएगा, देखिए दोस्तों हम आप लोग को बता रहे हैं, दूसरा लगाना होगा तो दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें आकर आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पर लिख रहा है कस्टम यूआरएल, कस्टम यूआरएल यही है दोस्तों, इसमें आकर यही कस्टम यूआरएल है, यही है जो यहाँ पर घूम रहा है, यही है कस्टम यूआरएल दोस्तों। अगर आप लोगों को चेंज करना होगा दोस्तों तो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए हमारा दोस्तों खुद का अभी मेरा चैनल पर कस्टम यूआरएल नहीं बना था, लेकिन दोस्तों देखिए हमारे कस्टम यूआरएल बन गया है, यही हमको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो हम यही रहने देंगे दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा दोस्तों तो आप लोग चेंज कर सकते हैं वैसे। देखिए दोस्तों, मेरा कस्टम यूआरएल www.youtube.com में CR नेहाल ऑफिशियल, तो इसी नाम से हम रहने देंगे दोस्तों। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको पहले आप लोग कॉपी कर लीजिएगा,
देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को कॉपी कर बता रहे हैं। अपने कस्टम वाले को दोस्तों कॉपी कर लीजिएगा। इस तरह कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों हमारा तो यही कस्टम मोबाइल अच्छा लग रहा है, तो हम यही रहने देंगे दोस्तों। तो ये क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पब्लिश लिख रहा है, पब्लिश, तो पब्लिश पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा कि चलिए पहले अब अपने मोबाइल के गूगल पर और जाकर वहाँ पर सर्च कीजिए। पहले अपने कॉपी यहाँ पर लिंक कॉपी कर लीजिएगा। लिंक कॉपी करने के बाद दोस्तों चलिए अपने मोबाइल के गूगल पर और सर्च कीजिए कि आपका चैनल कस्टम यूआरएल हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। अगर हो गया होगा दोस्तों तो आप लोगों के सामने आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ से हम अपने चेकअप कर लेते हैं दोस्तों, कस्टम यूआरएल हुआ है कि नहीं हुआ है आपका चैनल। हाँ तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपने कॉपी का पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कॉपी का पेस्ट करके यहाँ पर सर्च करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सर्च करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दिखा रहा है कि मेरा चैनल कस्टम यूआरएल हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों इसी डायरेक्ट लेकर चला आया हमारे यूट्यूब के यूट्यूब में दोस्तों। बुझाइएगा आप लोग कि आपका भी चैनल कस्टम यूआरएल हो गया है दोस्तों। इसी तरह आप लोग भी करवा सकते हैं, यानी कर सकते हैं दोस्तों खुद अपने मोबाइल से। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हम बोले थे पहले वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों, हम बोले थे कि आप लोग का चैनल पर 100+ सब्सक्राइब होना चाहिए और आपका लोगो होना चाहिए और 30 दिन पुराना आपका चैनल रहना चाहिए, तभी दोस्तों आपका कस्टम यूआरएल बन सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।